मुसलमानों और कम्युनिस्टों के द्वारा प्रायोजित षड्यंत्र है जी, भारत में अशांति और उपद्रव उत्पन्न करने के लिए। कहीं भारत शांत न रहे, अशांत बना रहे, अरबों खरबों रुपयों की राष्ट्रीय संपत्ति को जला करके जिन पापियों ने राख कर दिया, भारत के किसी मुसलमान को यहाँ कभी भी कोई असुविधा नहीं हुई जी। ऊंचे से ऊंचे पदों पर भारत में मुसलमान पहुँचते रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, उपराष्ट्रपति का पद हो, राज्यपाल का पद हो, मुख्यमंत्री का पद हो, कोई ऐसा पद नहीं है जिस पर मुसलमान न पहुँचे हों। तो भारत के मुसलमानों को क्या खतरा? गृहमंत्री और प्रधानमंत्री बार बार स्पष्ट करते रहे कि ये केवल घुसपैठियों के लिए है, यानी इसका पर बवाल मचाने वाले जो हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से जितने भी आतंकवादी आ रहे हैं उन सबको भारत की नागरिकता दे दी जाए जिससे कि वो सुविधापूर्वक भारत में अशांति फैला सकें। तो ये अज्ञान की नहीं, ये षड्यंत्र की पराकाष्ठा है। और ममता बनर्जी जैसी, मैं तो मूर्ख तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुस्लिमों की, मुसलमानों की जो गुलाम बन गई हैं, जिन्होंने अपना जमीर बेच दिया है, स्वाभिमान बेच दिया है, केवल वही जो औरत ये कहती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में चुनाव होने चाहिए, इसका मतलब ये कि भारत की प्रभुसत्ता को चुनौती दे रही है। ऐसे ऐसे लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए। जी 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 जी। वो चलते फिरते नज़र क्यों आ रहे हैं? और ये ओवैसी बंधु जो हैं वो क्या हैं? खुले गद्दार हैं। तो देशद्रोह और राष्ट्रभक्ति ये कम से कम परिभाषित तो होनी चाहिए। ओवैसी को किसी सलाह की ज़रूरत नहीं है, ना अकबरुद्दीन को और ना असदुद्दीन को जी। इसका इनके दोनों नमूनों का जो पिता था सलाहुद्दीन ओवैसी, वो मेरे पिताश्री के आंदोलन में वहाँ हैदराबाद में रोज़ हाजिरी देता था जी। तो जब इनको भय होता है तब ये हाजिरी देते हैं, पूँछ हिलाते हैं, और थोड़ी सी निर्भयता आती तो भौंकने लग जाते हैं। इनको कुत्ता कहना कुत्ते का अपमान करना है, क्योंकि कुत्ता बहुत वफादार, बड़ा स्वामी भक्त होता है। एक रूखा रोटी का टुकड़ा जहाँ से खाता है उसके लिए जान लड़ा देता है। और ये लोग हिंदुस्तान में जीते हैं, हिंदुस्तान में का खाते हैं, हिंदुस्तान का पीते हैं, हिंदुस्तान में ही 3 गज ज़मीन सड़ाते हैं, उसमें गंदगी पैदा करते हैं। क्योंकि जो गब्बर सिंह ये कहकर गया कि जो गड़ गया सो सड़ गया, कीड़े पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और इतना होने के पश्चात जो भारत माता के की मिट्टी के लिए, सरजमी के लिए, भारत माता के लिए वफादार नहीं है, उससे किसी प्रकार की भी आशा करना व्यर्थ है। उनको सलाह की ज़रूरत नहीं है। नक्सल क्या है? काशी है, अयोध्या है, मथुरा है, क्या है? तीर्थ है कोई? नक्सलबाड़ी लाल सलाम, एक नया नारा दे दिया आपने, नक्सलबाड़ी लाल सलाम। नक्सलबाड़ी केवल निरीह लोगों के, जो निर्दोष यानी वन्य हमारे भाई हैं, उन सब का दमन करने और उनकी प्रभुसत्ता, उनका जीवन का अधिकार छीनने का काम करते हैं नक्सलाइट्स। तो कम्युनिस्ट और मुसलमान ये विश्वास के योग्य नहीं हैं। थोड़े से मुसलमान देशभक्त हैं तो पूरी कम्युनिटी को सर्टिफिकेट हम नहीं देंगे।